त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिया है त्रिकोणमिति में कैसे सॉल्व करना है, और कभी भी अगर ऐसा सवाल देता है तो कभी भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें दो का गुणा करेंगे, दो से भाग देंगे तो सूत्र बन सकता है कि टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी का बनता है फार्मूला। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आसान है। देखो ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है कि कॉस 36 माइनस ए लिखा हुआ, इसके बाद कॉस 36 प्लस ए लिखा हुआ है, कॉस 54 माइनस ए लिखा हुआ है और 54 प्लस ए लिखा है। अब करना क्या है कि दो का इसमें गुणा करना है, तो टू कॉस 36 अंश माइनस ए इंटू कॉस 36 अंश प्लस ए प्लस कॉस 54 अंश माइनस ए इंटू कॉस 54 अंश प्लस ए। जब दो का गुणा करेंगे, दो का यहाँ गुणा कर दीजिए, दो का यहाँ गुणा होगा, दो से गुणा करिए और दो से क्या करिए भाग दीजिए, बाद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप किसी प्रश्न में जितनी संख्याएं जोड़ते हैं उतनी से घटाना चाहिए, या गुणा करते हैं तो उतना से भाग देना चाहिए ताकि मान में कोई परिवर्तन न आए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए सूत्र लिखा गया है टू कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है। जहां पे ए लिखा है उसका मान कितना है 36 माइनस ए, जहां पे बी लिखा है क्या लिखा है 36 प्लस ए लिखा हुआ है, जहां ए व का लिखा है 54 माइनस ए लिखा हुआ है, जहां बी व का लिखा है 54 प्लस ए मान लो। यहाँ पे रखें क्या बनेगा 1/2 ध्यान देना है, तो 2 हो गया आपका, 2 हो गया आपका कॉस और 2 कॉस कॉस जहां ए और लिखना है 36 माइनस ए प्लस 36 प्लस ए प्लस कॉस 36 माइनस ए माइनस 36 प्लस बी 36 प्लस बी। ध्यान देना है एक पहले से माइनस है यहाँ पे, इसके अंदर गुणा करेंगे तो साइन क्या होगा बदल जाएगा, 36 में कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, इसके बाद प्लस बाद में करो फिर लगाओ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कॉस 54 माइनस ए प्लस 54 माइनस प्लस ए इंटू कॉस 54 माइनस ए माइनस 54 माइनस ए हो गया। मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग क्या किया मैंने तोड़ दिया। ध्यान देना है जब माइनस से अंदर गुणा होगा साइन क्या होगा बदल जाएगा, क्योंकि 54 माइनस ए था प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखो ए से क्या हो गया कट जाएगा, 36 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा और 54 क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या मिला 36 कितना होगा 72, यहाँ हो गया कॉस 72 अंश प्लस, देखिए माइनस माइनस कितना होगा कॉस 2 हो जाएगा, तो कॉस बताइए सूत्र होता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉस माइनस थीटा बराबर 54 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, क्या कर लीजिए 108 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस दिया है माइनस ए दिया और ये भी क्या दिया है माइनस ए दिया है, कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका माइनस में माइनस कॉस कितना होगा माइनस 2 हो जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, कॉस 72 दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 36 हो गया 72 ठीक है, ए से कैंसिल हो गया 36 कटेगा, ए कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया ठीक है, लेकिन याद रखना है कि हाँ ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ हो गया 108 हो जाएगा और कॉस कितना हो गया माइनस 2 हो जाएगा। कॉस देखिए माइनस 2 है, माइनस 2 कितना हो जाएगा, देखो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस और कॉस कितना 2 कॉस 2 हो जाएगा आपका, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस 2 ए हो जाएगा प्लस 72 दिया है इस बात, देखो हो गया कॉस 72 अंश
प्लस कॉस 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो का गुणा कर दीजिए अंदर, यहाँ पे दो का यहाँ गुणा कर दीजिए, दो का यहाँ गुणा कर दीजिए, एक ब्रैकेट लगा दे यहाँ पे, ये गुणा करेंगे टू से टू क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कटेगा आपका तो मान मिल गया यहाँ पे टू, सॉरी हो गया आपका कॉस टू ए हो गया प्लस वन बाई टू। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र रहेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी, टू कॉस 108 प्लस 72 बाई टू इंटू कॉस 108 माइनस 72 बाई टू। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है कि टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस, दोनों कॉस से होता है, कॉस ए माइनस बी बाई टू होता है। अब बताइए यहाँ पे 108 72 कितना हो गया, 180 हो गया, 180 में दो से आप डिवाइड करिए कितना आएगा कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 का मान कितना होता है जीरो होता है, जे जीरो करेंगे पूरा क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, क्या बचा कॉस टू ए, क्या सिद्ध करना था ऐसा में इस तरह से क्या करते हैं सवाल को लगाते हैं कर दे यहाँ पे देखो यह हो गया कॉस टू ए प्लस सर ये तो 90 हो जाएगा तो 1/2 देखिए कॉस 90 गुणे यहाँ देखिए 108 से घटाओ 72 कितना बचेगा, यहाँ बच गया आपका 6 और यहाँ 7 से घटाओ 3 36 बचेगा बटा के 2 यानी हो जाएगा cos 18। देखिए याद रखना है जब 90 जीरो हो गया खुद जीरो हो जाएगा, किसी गुणा में ना है इंटू में दिया है ना, माइनस नहीं है इंटू है, cos c माइनस cos d बराबर सूत्र होता है कि 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कॉस में है तो जीरो हो जाएगा, पूरे क्या हो गया जीरो हो जाएगा, कॉस 90 मान जीरो तो क्या बच गया कॉस, क्या सूत्र करना था कॉस, याद रखना है इसमें दो सूत्र का प्रयोग किया गया, याद रखिए पहला सूत्र बताया गया कि कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर सूत्र होता है कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, और एक बताया गया कि टू कॉस ए कॉस भी लिखा गया है, टू कॉस ए कॉस बी पर होता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको लगाएंगे आराम से क्या होगा सवाल आंसर आ जाएगा, कर लीजिए।